हेलो डॉक्टर। हेलो, कहिए क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब, कैसे कहूँ, शर्म भी आती है और पूछना ही पड़ता है। डॉक्टर, एक्चुअली क्या बात है कि जो मेरी पेनिस है ना, उसका साइज बहुत छोटा है, जिससे मैं खुद के ऊपर शर्म महसूस करता हूँ। देखिए, आदमी के पेनिस की लंबाई भौगोलिक तौर के हिसाब से अलग अलग होती है। बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला कि इसकी नॉर्मल लंबाई 2.8 से लेकर 2.9 तक होती है और उसकी परिधि 3.5 से लेकर 3.9 तक होती है। पर जब ये इग्लेट होता है तब इसकी लंबाई एवरेज 4.7 से लेकर 6.3 तक इंचेस तक होती है और इसकी परिधि 4.7 से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस बात को लेकर कभी आपके पार्टनर से आपसे कोई शिकायत की कि वो आपसे संतुष्ट नहीं है या उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कहीं नहीं है। आज तक मेरी बीवी ने मुझे शिकायत नहीं की, लेकिन मैं खुद अंदर से महसूस करता हूँ कि मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और हाँ, एक बात और डॉक्टर साहब, जब मैं जेंट्स टॉयलेट पर जाता हूँ ना, तो खुद को शर्म महसूस करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषों में अपने पेनिस को लेकर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। अगर महिलाओं से ये बात पूछी जाए तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेनिस मोटा है या पतला है। हाँ, आपके पास अपने पार्टनर को खुश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप उन्हें क्लाइमेक्स तक पहुंचा सकते हैं। और रियली, महिला को क्या पसंद है, ये कैसे जाने हम? देखिए, कभी कभी मोटा पेनिस महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सेक्स के दौरान उनका गर्भाशय थोड़ा उभरा हुआ होता है और पेनिस उस पर चोट करता है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और दूसरी बात, महिलाओं की पोरट यानी योनि से 2 इंच ही अंदर होता है, तो पेनिस की लंबाई उसकी परिधि से कहीं ज़्यादा होती है। चाहो तो यूँ कह लीजिए कि उनका मोटापन महिलाओं को बहुत जल्द औरंगज़ेब तक पहुँचा सकता है। बात यही नहीं रुक जाती, बल्कि आप ये देखिए कि आप अपने पार्टनर को फोर प्ले से कैसे खुश कर सकते हैं। सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ही नहीं, फोर प्ले भी आपके सेक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप फोर प्ले द्वारा या इंटरसेक्स द्वारा भी वो कमी आप पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर आप एक बात बता सकते हैं मेरे को कि मेरे जैसे लोगों के लिए सेक्स का कौन सा तरीका अच्छा रहेगा? सेक्स प्रोसेस सेक्स से बहुत पहले शुरू होता है, और जब आप इधर उधर की बातें करते हैं या फिर नोक झोंक करते हैं, उससे आपका मूड चेंज होता है। उसके बाद आप फोर प्ले करने की सोचते हैं, तो फोर प्ले करते करते आपका मूड एकदम उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद आप सेक्स करना शुरू करते हैं और आप इधर उधर अपना टाइम स्पेंड ना करके सेक्स में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। और आपके लिए डोगी स्टाइल या वी स्टाइल ही दोनों पोजिशन ही ठीक रहेंगी। हाँ, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात है ध्यान में रखने के लिए जिससे मैं अपनी पेनिस का साइज बढ़ा सकूँ? हाँ, आप पेनिस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं। एक्सरसाइज करने से मसल्स भी ठीक रहेंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जर्किन एक्सरसाइज करने से आपके पेनिस की मोटाई भी बढ़ेगी और उसकी परिधि भी बढ़ेगी। कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और हाँ, मजबूत कार्डियो आपके इरेक्शन को भी ठीक रखेगा। और हाँ, आप अपने मोटापे को ना बढ़ने दें, वेट पर कंट्रोल रखें। और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो अभी के अभी स्मोक छोड़ दें, अपने हार्ट के लिए, अपने लंग्स के लिए। और हाँ, अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपने पेनिस के लिए ही छोड़ दें। और हाँ, हर दिन हेल्दी डाइट लें। एक और आखिरी बात पूछनी थी मैंने डॉक्टर साहब, कि जर्किंग एक्सरसाइज के बिना सर्जरी से या किसी और तरीके से पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग फैट इंजेक्शन ले रहे हैं जो आपकी पेनिस की शेप को बिगाड़ सकते हैं। सिलिकॉन इंजेक्शन बहुत ही घातक साबित हुए हैं और डर्मल ग्राफ्टिंग स्कर टिश्यू बन सकते हैं, आपके पेनिस की शेप को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप पेनिस ट्रांस सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है और ना ही पेनिस को बढ़ाने के लिए आज कोई दवा बनी है। तो अब आपके पास मात्र एक उपाय है, जर्किन एक्सरसाइज। उसी से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अब तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और कुछ आपको मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज के बाद मैं आपके बताए हुए सूत्र पर चलूंगा। थैंक यू मैडम। वेलकम।